अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम न्यूक्लियोटाइड मेटाबॉलिज्म स्टार्ट कर रहे हैं और इसको मैं आपके साथ लेपन कॉर्ड के चैप्टर 22 से ही डिस्कस करूंगी और बुक के सीक्वेंस से चलेंगे। सो बेसिकली इस चैप्टर पे बच्चों हमने क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ना है कि हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास किन कंपोनेंट्स से मिलकर बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड का हमारी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या है और न्यूक्लियोटाइड के जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं, जैसे आपको पता है न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास क्या होती है, एक शुगर होती है, ठीक है, जो कि पेंटोज मोनोसेक्राइड होती है, उसके अलावा फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, उसके अलावा बेसिस होती हैं, इन तीन चीज़ों से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनती है। अब ये जो बेसिस हैं बच्चों, ये दो तरह की होती हैं, प्यूरीन्स भी होती हैं और पायरामाइडीन्स भी होती हैं। ये जो प्यूरीन एंड पायरामाइडीन्स हैं, इनकी बॉडी के अंदर डी नोवो सिंथेसिस है और बेसिकली इस चैप्टर के अंदर हमने प्यूरीन एंड पायरामाइडीन की डी नोवो सिंथेसिस, इनकी डिग्रेडेशन और इनके रिलेटेड जो क्लिनिकल कोरिलेट्स हैं वो डिटेल से पढ़ने हैं। बुक के सीक्वेंस से अगर हम चलें तो सबसे पहले हमारे पास ये डिस्कस किया हुआ है कि न्यूक्लियोटाइड क्यों जरूरी है, न्यूक्लियोटाइड के हमारी बॉडी के अंदर क्या फंक्शन है, बाद में हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में और सिंथेसिस के बारे में। तो अगर हम इसकी फंक्शंस की बात करें तो आपको पता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होती हैं, किसका, दोनों का, डीएनए का भी और आरएनए का भी। अगर न्यूक्लियोटाइड्स नहीं होंगी तो डीएनए और आरएनए सिंथेसाइज नहीं हो सकेगा, डीएनए और आरएनए सिंथेसाइज नहीं होगा तो आगे हमारे पास प्रोटीन भी सिंथेसाइज नहीं होंगे, जब प्रोटीन सिंथेसाइज नहीं होंगे तो जो सेल ने प्रोलीफरेट करना है, क्योंकि प्रोटीन जो है वो सेल का इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल और फंक्शनल कंपोनेंट है, तो सेल प्रोलीफरेट नहीं करेगा, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गई कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए और आरएनए का पार्ट होती है, प्रोटीन बनाने में हेल्प करती है और सेल की वेरियस प्रोलीफरेशन एंड फंक्शंस में हमें हेल्प करती हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन ये है न्यूक्लियोटाइड्स का कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो एक कैरियर मॉलिक्यूल के तौर पे भी एक्ट करती हैं। न्यूक्लियोटाइड क्या करती हैं, कैरियर के तौर पे एक्ट करती है। कैरियर के तौर पे एक्ट करने का क्या मकसद मतलब है, बहुत सारे हमारी बॉडी में जब कार्ब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है या लिपिड मेटाबॉलिज्म है या फिर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म हो रहा है, तो उनके कुछ ऐसे इंटरमीडिएट्स होते हैं, ठीक है, इंटरमीडिएट्स होते हैं, उन इंटरमीडिएट्स को कैरियर चाहिए होता है, तो न्यूक्लियोटाइड कैरियर के तौर पर भी एक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, ग्लाइकोजन सिंथेसिस में एक न्यूक्लियोटाइड जिसे हम क्या कहते हैं यूडीपी यूराडाइन डाइफॉस्फेट, वो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट को कैरी करके ले जाता है और ग्लाइकोजन सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो न्यूक्लियोटाइड डिफरेंट मेटाबॉलिज्म के इंटरमीडिएट को कैरी करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। थर्ड बात अगर हम करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड जो है वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हैं बहुत सारे कोएंजाइम्स का, क्या है ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट भी हैं बहुत सारे कोएंजाइम्स का, जैसे कि कोएंजाइम ए का, ठीक है, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है किस किस का, कोएंजाइम ए का, कोएंजाइम ए का, उसके अलावा एफएडी का, एनएडी का, एनएडीपीएच का, इनके ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी होते हैं, ठीक है। अगर हम चौथे फंक्शन की बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड जो है सेल को एनर्जी प्रोवाइड भी कर सकता है, ठीक है, क्या भी कर सकता है, एनर्जी प्रोवाइड भी करता है। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है न्यूक्लियोटाइड का जो हमने एंडोक्राइन में हार्मोनल रेगुलेशन में पढ़ा है कि जो न्यूक्लियोटाइड है हमारे पास साइक्लिक एएमपी और साइक्लिक जीएमपी ये सेकंड मैसेंजर के तौर पे भी एक्ट करते हैं और ट्रांसडक्शन पाथवेज में हमें हेल्प करते हैं, ठीक है, कैसे एक्ट करते हैं, एज अ सेकंड मैसेंजर एक्ट करते हैं और ट्रांसडक्शन पाथवेज में हमें हेल्प करते हैं। सिक्स्थ फंक्शन की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को, इंपॉर्टेंट पाथवेज को बॉडी के अंदर उनके जो की एंजाइम्स होते हैं उनको रेगुलेट भी कर सकते हैं और उनको इनहिबिट भी कर सकते हैं, और इसके कुछ एग्जांपल आगे हम प्यूरीन एंड पायरामाइडीन सिंथेसिस में भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं न्यूक्लियोटाइड के। अब अगली बात उसने ये की हुई है कि हमारे पास न्यूक्लियोटाइड के अंदर दो तीन चीज़ें होती हैं, ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास शुगर होती है, एक हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है और बेसिस होती हैं। बेसिस अगेन कौन सी होती हैं, प्यूरीन्स होती हैं और पायरामाइडीन्स होती हैं। इनकी डी नोवो सिंथेसिस होगी बॉडी के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। उसके अलावा जो डाइट से थोड़ी बहुत बेसिस हमें हासिल होती हैं वो बहुत जल्दी डीग्रेड होती है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो बेसिस की जो सिंथेसिस है वो डी नोवो सिंथेसिस होगी या सेल्वेज पाथवे चलेगा बॉडी के अंदर, उसके थ्रू बेसिस सिंथेसाइज हो सकती हैं, जो हम अभी आगे डिटेल में पढ़ने लगे हैं, ठीक है। अगर बुक के सीक्वेंस से चलेंगे तो अब यहां पे इसने न्यूक्लियोटाइड के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है, उसको भी बहुत ब्रीफली देख लेते हैं, फिर प्यूरीन की सिंथेसिस डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वो हमें ये बता रहा है कि हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड जो है इसके अंदर एक तो शुगर होती है, फॉस्फेट ग्रुप होता है और बेसिस होती है, ठीक है। क्या होती है, शुगर होती है। अब शुगर जो है वो अगर तो हमारे पास आरएनए है तो शुगर क्या होगी, राइबोस शुगर होगी, ठीक है, क्या होगी, राइबोस शुगर होगी अगर आरएनए है, और अगर डीएनए है तो शुगर जो है वो डीऑक्सीराइबोज होगी, क्या हो जाएगी, डीऑक्सीराइबोज हो जाएगी। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में सिर्फ इतना सा फर्क है कि एक पोजीशन पे जहां पे राइबोज के अंदर ओएच लगा हुआ होता है, इस ओ को हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं और हमारे पास सिर्फ एच रह जाता है, तो वो क्या बन जाता है, डी ऑक्सीराइबोज, ठीक है। राइबोज में हमारे पास OH ग्रुप पड़ा हुआ होता है और डी ऑक्सीराइबोज में हम O हटा देते हैं और सिर्फ हाइड्रोजन होता है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, डी ऑक्सीराइबोज, ठीक है। सेकंड चीज जो है वो हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होते हैं, जो एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अगर एक फॉस्फेट ग्रुप होगा तो मोनोफॉस्फेट, दो होंगे तो डाइफॉस्फेट, तीन होंगे तो ट्राइफॉस्फेट होगा। अब मेन चीज जो आती है वो आ जाती है हमारी बेसिस के ऊपर, ठीक है। अब याद आपने ये रखना है कि बेसिस जो है वो दो तरह की होती हैं, एक हमारे पास होती हैं प्यूरीन्स, एक हमारे पास क्या होती हैं, प्यूरीन्स, और दूसरी क्या
होती हैं? पायरामिडीन्स, पायरामिडीन्स। अच्छा, अगर हम प्यूरिन्स की बात करेंगे तो जो प्यूरिन्स हैं वो आरएनए के अंदर और डीएनए के अंदर सेम होंगी, आरएनए में और डीएनए में जो प्यूरिन्स हैं वो सेम होंगी। प्यूरिन्स कौन सी होंगी? एडीनाइन, हाँ जी एडीनाइन होगी और गवानाइन होगी, ठीक है। एडीनाइन और एजी बस आपने याद रखना है, ठीक है। ये डीएनए में और आरएनए में बिल्कुल सेम होंगी, जबकि अगर हम पायरामिडीन की बात करें और पहले आरएनए की बात करें तो आरएनए के अंदर जो पायरामिडीन है वो होगी साइटोसिन और यूरासिल। कौन सी होगी? साइटोसिन और यूरासिल होगी। ये आपने एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस याद रखना है, ठीक है। और अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में साइटोसिन तो होगी, लेकिन यूरासिल की जगह क्या होगा? थायमिन। क्या होगा? थायमिन। डीएनए में थायमिन होता है जबकि आरएनए में थायमिन की जगह यूरासिल होता है। अगर हम थायमिन और यूरासिल को कंपेयर करें तो इनमें सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है, ठीक है, जो यहां बुक के अंदर आपको दिखाया हुआ भी है। अगर आप यहां पे देखेंगे हमारे पास, तो ये जो साइटोसिन कह रही हूँ, जो थायमिन है और यूरासिल है, थायमिन में अगर आप देखेंगे तो एक मिथाइल ग्रुप है जबकि यूरासिल में मिथाइल ग्रुप नहीं है। तो ये इस दोनों में सिर्फ मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है। तो ये आपने इन बेसिस की जो कंपोजिशन है वो याद रखनी है कि बेसिस जो है वो डीएनए और आरएनए में जो प्यूरिन है वो दोनों सेम होती है, एडीनिन एंड गवानिन होती है, जबकि पायरामिडीन्स में फर्क आ जाता है यूरासिल और थायमिन में, और यूरासिल और थायमिन में क्या फर्क है? एक मिथाइल ग्रुप का फर्क है। उसके अलावा उसने एक बात की है कि ये जो बेसिस होती हैं इनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है, इन बेसिस को क्या भी किया जा सकता है? मॉडिफाई भी किया जा सकता है। किस तरह से मॉडिफाई किया जा सकता है? या तो इनकी मिथाइलेशन की जा सकती है, या इनकी एसिटाइलेशन, इनके ऊपर एसिटाइल ग्रुप ऐड किया जा सकता है, ग्लाइकोसाइलेशन यानी ग्लाइकोसाइल ग्रुप ऐड किया जा सकता है, या फिर इनकी रिडक्शन भी की जा सकती है। अब ये जो इनकी मॉडिफिकेशन होती है वो इसलिए होती है, या तो ये न्यूक्लियस के अटैक से बचे रहें, या फिर सेवरल एंजाइम्स जो हैं वो इन बेसिस को आके रिकॉग्नाइज करते हैं और रिएक्शन को प्रोसीड करते हैं, तो ये इनकी मॉडिफिकेशन का हमें फायदा है, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन की जो एग्जांपल्स हैं वो भी बुक के अंदर दी हुई हैं, उनको आप यहां पे देख सकते हैं कि हमारे पास क्या था। सिंपल साइटोसिन था, अगर हमने इस पे एसिटाइल ग्रुप ऐड कर दिया है ये, तो ये क्या बन गया है? एसिटाइल साइटोसिन यूरासिल था, इसको रिड्यूस किया तो क्या बन गया? डाइहाइड्रो यूरासिल। इसी तरह एडीनाइन था, और एडीनाइन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप डाल दिए, मिथाइलेशन कर दी, रिडक्शन कर दी और एसिटाइलेशन कर दी, इससे हमने बेसिस को मॉडिफाई कर दिया, ठीक है जी। नेक्स्ट पैरा में यहां पे न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस बताया हुआ है। आपको पता है बच्चों, जो न्यूक्लियोटाइड है ना हमारे पास, अगर हम न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे तो न्यूक्लियोटाइड में तीनों चीज़ें होती हैं, हमारे पास शुगर भी होती है, फॉस्फेट ग्रुप भी होता है और बेसिस भी होती हैं। जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ क्या होगा? शुगर और बेस होगी, सिर्फ क्या होगा? शुगर और बेस होगी, और ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू आपस में अटैच हुए भी होंगे, तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड के अंदर जब फॉस्फेट ऐड होता है तो फिर ये क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। फॉस्फेट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। जो दूसरा और तीसरा फॉस्फेट है उनको हम हाई एनर्जी बॉन्ड्स बोलते हैं। उसके अलावा आपने याद रखना है कि जो आरएनए का और डीएनए का नेगेटिव चार्ज होता है वो इसी फॉस्फेट ग्रुप की वजह से होता है। नेक्स्ट चीज़ उसने ये बताई दी है कि न्यूक्लियोसाइड्स जो है ना, अगर तो आरएनए की होंगी तो फिर हम उनको क्या बोलेंगे? राइबोन्यूक्लियोसाइड, और डीएनए की होंगी तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड्स बोलेंगे। इसके अलावा एक बात की हुई है कि जो फॉस्फेट ग्रुप आके जब ऐड होता है न्यूक्लियोसाइड के अंदर, जब आके ऐड होता है तो ये फॉस्फेट हमेशा जो पेंटोज है उसकी जो कार्बन 5 होगी ना उसके ऊपर अटैच होगा, ठीक है। कार्बन 5 के जो हाइड्रोक्सल ग्रुप है उसके ऊपर फर्स्ट फॉस्फेट ऐड होगा। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो बस ये एक बेसिक सा चीज़ थी हमारे पास कि न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं, ठीक है, उनके क्या फंक्शंस हैं बॉडी के अंदर, उनकी क्या कंपोजिशन है, कौन सी चीज़ जिसकी सिंथेसिस हमने इस चैप्टर में पढ़नी है, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड का डिफरेंस क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यहां से प्यूरीन न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, जो कि बहुत ज्यादा इजी भी है और मजे की भी है।